दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन दुनिया के सबसे खूबसूरत औरतों में से एक मानी जाती हैं। उनकी खूबसूरती और स्टाइल की वजह से उनके दुनिया भर में बहुत सारे फैंस हैं। इंडिया की इस ब्यूटी क्वीन ने हमेशा अपने फैशन स्टेटमेंट से सबको इम्प्रेस किया है। ऐश्वर्या राय बच्चन दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत ही नहीं बल्कि एक अच्छी एक्ट्रेस भी मानी जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम इस ब्यूटी क्वीन की लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं ऐश्वर्या राय के करियर के बारे में। 1991 में ऐश्वर्या राय ने सुपर मॉडल का कंपटीशन जीता था जिसकी वजह से उन्हें वोग मैगजीन में जगह मिली। ऐश्वर्या को 1993 में फेस ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया और 1994 में ऐश्वर्या ने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया। ऐश्वर्या इतनी खूबसूरत हैं कि लोगों को लग रहा था कि वो मिस यूनिवर्स का खिताब जीत जाएंगी, पर उन्हें यह खिताब नहीं मिल सका। लेकिन उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। मिस वर्ल्ड बनने के बाद ऐश्वर्या ने एक्टिंग में अपने करियर की शुरुआत की। ऐश्वर्या ने 1997 में पहली बार एक तमिल मूवी में काम किया और फिल्म का नाम था इरुवर। ऐश्वर्या ने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग की करियर की शुरुआत बॉबी देओल के साथ की और उनकी मूवी का नाम था और प्यार हो गया। लेकिन इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा रेटिंग्स भी नहीं मिली। 1999 में रिलीज हुई हम दिल दे चुके सनम उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही। यह फिल्म काफ़ी सफल रही और ऐश्वर्या के काम को भी सराहा गया। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद आई फिल्म ताल जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहा गया। 2002 में ऐश्वर्या ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मूवी देवदास में काम किया जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के साथ काम किया और ये मूवी बड़े पर्दे पर आते ही छा गई और ये फिल्म बॉलीवुड के सबसे हाईएस्ट रेटेड मूवी में से एक है जिसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। इस फिल्म की वजह से ऐश्वर्या को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी नवाजा गया था। 2008 में ऐश्वर्या ने ऋतिक रोशन के साथ जोधा अकबर में काम किया और उनका कहना था कि ये उनकी एक्टिंग करियर में उनका सबसे चैलेंजिंग रोल था और इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी रेटिंग्स मिली और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। उसके बाद 2010 में ऐश्वर्या ने अक्षय कुमार के साथ एक रोमांटिक मूवी एक्शन रिप्ले में काम किया था जो बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर बनकर सामने आए। इस फिल्म को जितनी रेटिंग्स मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल सकी और लोगों ने इस फिल्म को बहुत क्रिटिसाइज भी किया। 2016 में फिर एक सुपरहिट मूवी थी जिसका नाम था ऐ दिल है मुश्किल जिसमें उन्होंने रणबीर कपूर के साथ काम किया और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। ऐश्वर्या राय उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने बॉलीवुड के सब हिट एक्टर के साथ काम किया है। ऐश्वर्या राय ने 2004 में हॉलीवुड में कदम रखा। उनकी पहली मूवी का नाम था ब्राइड एंड प्रेजुडिस। इसके बाद 2-3 और हॉलीवुड मूवीज में काम किया जैसे कि मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस और द पिंक पैंथर। लेकिन ऐश्वर्या राय को हॉलीवुड में कुछ खास शोहरत ना मिल सकी। ऐश्वर्या राय ने अपने करियर में बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं जिसके नाम हैं फने खान, हम दिल ले चुके सनम, गुरु, रावण, रोबोट। इनके बायोग्राफी की बात की जाए तो ऐश्वर्या राय का निक नेम है गुल्लू और इनका जन्म 1973 को बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 46 साल। ऐश्वर्या राय ने अपनी स्कूलिंग आर्य विद्या मंदिर हाई स्कूल से की और उन्होंने जय हिंद कॉलेज से इंटर किया है और उसके बाद डीजे रूपरेल कॉलेज ज्वाइन कर लिया जहां उन्हें एचएससी परीक्षा में 90% अंक आए। दोस्तों ऐश्वर्या राय पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और बोर्ड एग्जाम्स में टॉप स्टूडेंट में से एक रह चुकी हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ऐश्वर्या कॉलेज डेज में डॉक्टर बनना चाहती थी ना कि एक एक्ट्रेस। ऐश्वर्या पढ़ाई में तो होशियार थी ही लेकिन उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव होती थी। बचपन में उन्हें 5 साल तक क्लासिकल डांस और संगीत की ट्रेनिंग थी। ऐश्वर्या राय एक पेशे से एक्टर और मॉडल हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ऐश्वर्या राय के अवार्ड्स के बारे में। ऐश्वर्या को बहुत सारे आईफा, फिल्म फेयर और जी सिने अवार्ड्स मिल चुके हैं। उनकी मूवीज देवदास, जोधा अकबर, हम दिल दे चुके सनम और धूम 2 के कारण उन्हें 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें भारत सरकार की ओर से 2009 में पद्मश्री और 2012 में फ्रांस सरकार की ओर से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। वे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती है। अब आपको मिलवाते हैं ऐश्वर्या राय की फैमिली से। ऐश्वर्या राय के फादर का नाम है कृष्ण राज राय।
ऐश्वर्या राय की माँ का नाम है वृंदा राय, ऐश्वर्या राय के भाई का नाम है आदित्य राय, इनके हस्बैंड को तो आप सभी जानते ही होंगे, इनका नाम है अभिषेक बच्चन और इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है राध्या बच्चन। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्त इनके इनकम की। ऐश्वर्या राय एक मूवी करने के 9 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इनकी ज़्यादातर इनकम उनके ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है जिनके वो 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। और इसके अलावा ऐश्वर्या राय ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किए हैं जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों इनके नेटवर्थ की बात की जाए तो इनका नेटवर्थ है 258 करोड़ रुपए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ऐश्वर्या राय के हाउस के बारे में। ऐश्वर्या राय स्काई टावर्स नाम के बिल्डिंग में रहती है जो कि वर्ली मुंबई में है। ऐश्वर्या राय इस बिल्डिंग के 37th फ्लोर में रहती हैं। ये अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहती हैं और 2020 के हिसाब से इनके इस फ्लैट की प्राइस है 40 करोड़ रुपए। इनके कार कलेक्शन की बात की जाए तो इन्हें लग्जरियस कार रखने का बहुत शौक है। ऐश्वर्या राय के पास एक बेंटले CGT है जिसकी प्राइस है 3 करोड़ 12 लाख रुपए। इनके पास एक मर्सिडीज बेंज है जिसकी प्राइस है 2 करोड़ 35 लाख रुपए। इसके अलावा ऐश्वर्या राय के पास ऑडी A8 है जिसकी प्राइस है लगभग 1 करोड़ 12 लाख रुपए। तो दोस्तों क्या आप भी हैं ऐश्वर्या राय के फ़ैन, कमेंट्स कर जरूर बताना और उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये भी बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।